हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल इज, तो हमें बताना है इसमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल कौन सा है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले IUCN की, जो स्टैंड करता है फॉर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब IUCN के अकॉर्डिंग जो है स्पीशीज को, जो भी स्पीशीज थ्रेटेंड होती हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज, उन्हें थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहले कैटेगरी है उसे हम बोलते हैं वल्नरेबल। सबसे पहले हमारे पास है वल्नरेबल स्पीशीज, देन देयर इज एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंड द थर्ड वन इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब यहाँ पे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, वो स्पीशीज होती हैं जो कि एट द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन होती है। मतलब हम बोल सकते हैं एट वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब आने वाले टाइम में वो स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो सकती हैं फ्रॉम द वाइल्ड। वो अपनी वाइल्ड पॉपुलेशन से एक्सटिंक्ट हो सकती हैं इन द सम ईयर्स। तो बात करते हैं ऑप्शंस की। पहले ऑप्शन में दिया गया है पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन की बात करें तो ये पिजन जो है ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है ड्यू टू दी एक्सेसिव हंटिंग। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास दिया गया है डोडो। डोडो जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है। देन हमारे पास दिया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज ऑल्सो बर्ड और ये सर्वाइवल के लिए जो है इट इज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल, और इसलिए हम बोल सकते हैं ये जो है एट दी ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो कि इंडिया की सेवरल स्टेट्स में पाई जाती है। उसके बाद बात करें हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है जेबू। तो जेबू जो है IUCN की लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।